गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और अपने परिवार के सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों होती हैं हमें जिनको निभाना पड़ता है। COVID-19 का जो समय है वो अपने आप में एक महामारी का रूप लेकर के आया है। अगर्ल विद बास्केट, सर विलियम चार्ल्स डगलस ने इस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को लिखा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे। विलियम चार्ल्स डगलस भारतीय हिंदुइज्म से बहुत प्रभावित थे और यही मकसद था उनके भारत दर्शन करने का, भारत भ्रमण के लिए और भारत दर्शन के लिए। सन 1950 ईस्वी में विलियम चार्ल्स डगलस भारत आते हैं। ये वो समय था बच्चों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये बंटवारे का काल था बच्चों, ये वो समय था जब भारत एक त्रासदी से गुजर रहा था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का वो नाशूर, जिसका घाव आज भी भारत बर्दाश्त कर रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की नींव ही इस्लामिक कंट्री के रूप में रखी गई थी, एक इस्लामिक कंट्री के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर भारत एक सर्कुलर कंट्री के रूप में, एक धार्मिक सहिष्णु कंट्री के रूप में जिसका जन्म होता है, जहां पर संपूर्ण धर्मों को महत्व दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय बच्चों लगभग 9 मिलियन ध्यान रखिएगा बच्चों, कुल मिलाकर के 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। छोड़ने की वजह रिलीजियस फैनेटिकिज्म, मतलब धार्मिक कट्टरता। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगे और अपने परिवार की इज्जत, अपने महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए पाकिस्तानी हिंदू जैसे भी, जो भी समझ में आया, जो भी खाने पीने की वस्तुएं थी उनको लेकर के वहाँ से भारत के लिए निकल पड़ते हैं। ये वो समय था जब गर्मी का समय था, बहुत से लोग रास्ते में ही मर जाते हैं भूख और प्यास की वजह से। बहुत से लोग भारत में पहुंचते हैं, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, जबरन संपत्ति पर कब्जा, इस प्रकार की घटनाएं उस समय लगातार हो रही थीं। अपने यहाँ बच्चों एक मूवी आई है रिफ्यूजी, काफ़ी पुरानी मूवी है रिफ्यूजी। अगर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की अगर कंडीशन को देखना है तो आप कभी उस मूवी को देखें, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा।
जिस समय सभी रिफ्यूजी भारत आते हैं, सभी शरणार्थी भारत आते हैं, तो उत्तरी जो भारतीय सीमा क्षेत्र था वो पूरा का पूरा रिफ्यूजी से भर जाता है। लेखक विलियम चार्ल्स डगलस जो कि इंडिया आता है और दिल्ली से रानीखेत जाना चाहता है। रानीखेत कैसे? दिल्ली, दिल्ली से न्यू दिल्ली से बरेली और बरेली से रानीखेत। लेकिन लेखक दिल्ली से बरेली बाई ट्रेन जा रहा है, एक पैसेंजर ट्रेन से जा रहा है जो प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर रुकती है, और बरेली से लेखक बाई कार रानीखेत जाएगा। रानीखेत ये कौन सा स्थान है बच्चों? अगर रानीखेत के बारे में बात करूं तो रानीखेत उत्तराखंड में स्थित एक पहाड़ी स्थान है जो नंदा देवी पर्वत के पास स्थित है, जहां पर माता झूला देवी टेम्पल है और जहां पर लगभग 19 डिग्री सेल्सियस का तापमान गर्मियों के समय में रहता है। रानीखेत अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। रानीखेत जो समुद्र तल से लगभग 6000 फीट 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी स्थान है जो कि बहुत पहले कभी अंग्रेजों की छावनी का केंद्र हुआ करता था। लेखक वहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन क्यों जाना चाह रहा है? लेखक अमेरिकन है, बहुत अधिक गर्मी है, जुलाई का महीना है, गर्मी की वजह से लेखक को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए लेखक किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा है। रानीखेत के बारे में उसने सुना है कि वहाँ का मौसम लगभग काफ़ी अच्छा है, मनमोहक है, इसलिए लेखक रानीखेत जाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से एक पैसेंजर ट्रेन को पकड़ता है। अब लेखक का जो लक्ष्य था वो भारत की आत्मा को देखना था, लेकिन उसको देखने के लिए लेखक को सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। वो लेखक करता क्या है? जो पैसेंजर ट्रेन है प्रत्येक स्टॉप पे रुकती है और लेखक हर स्टेशन पर, हर प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है और उतरने के बाद प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर उतर करके वहाँ पर जानने की कोशिश करता है। रास्ते में वो तीन लोगों से बातें करता है, तब कहीं जा कर के एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो अंग्रेजी जानता है, जिससे वैश्विक स्तर पर समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय प्रासंगिकता के जो विषय होते हैं, उन सभी विषयों पर लेखक उस व्यक्ति से वार्तालाप करता है। लेखक ये महसूस करता है कि प्रत्येक भारतवासी के अंदर सादा जीवन और उच्च विचार की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज़ादी के प्रति एक विशेष जुनून प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेखक भारतीय व्यक्ति से बात करने के बाद ये जानने की कोशिश करता है कि भारतीयों के विचार कैसे हैं, भारतीयों की सोच कैसी है, कहीं भारतीयों की सोच ट्रेडिशनल तो नहीं है, क्लासिकल तो नहीं है। भारतीय व्यक्ति किस प्रकार से सादा जीवन, उच्च विचार की भावना को अधिक महत्व देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिकागो में विवेकानंद ने जो बात कही थी शायद वो बात कुछ अलग हो, भारत कुछ अलग ही हो? इन्हीं सभी बातों को, प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए लेखक इंडिया आता है और एक व्यक्ति से अंग्रेजी में बातचीत करता है जो कि अंग्रेजी जानता है और
जिस व्यक्ति से वो बात करता है वो स्पष्टवादी है, साफ सुथरी बात करता है और आदर्शवाद को विशेष महत्व देता है।